निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। देखिए निरोगी राजस्थान का एक संकल्प लेकर के राजस्थान सरकार चली और जब हम अस्पतालों में जाके देखते हैं तो जो मुफ्त दवा योजना के काउंटर हैं उन पर थैलियाँ नहीं होने से जो मरीजों को दवाई दी जाती है उससे इतनी असुविधा का सामना करना पड़ता है। जैसे कफ सिरप है, पीने की कोई दवाई है, दूसरी दवाई है, वो गिर जाती है, दवाइयाँ टूट जाती हैं, उनके पास कोई भी साधन नहीं है कि जिससे वो थैली में डाल कर दे दें। तो मंदिर कमेटी में जब मैंने ये प्रस्ताव रखा तो मंदिर कमेटी ने सारे लोगों ने हमने सर्वमति से ये अनुमोदन कि हमको इस दिशा में कोई काम करना चाहिए और ये प्रॉब्लम सारे राजस्थान की, अजमेर की नहीं है। तो आज क्योंकि प्लास्टिक तो बैन हो गया तो अभी हमने कपड़े की जो मिला हुआ कागज़ के साथ कपड़ा मिला हुआ है वो थैलियाँ बनवाई हैं। आज पहली खेप में 15,000 हैं और इस तरह से कि मरीजों को, क्योंकि माता जी का ये हुक्म है, अम्बे माता का ये है कि जीव सेवा का जो हमने एक व्रत लिया हुआ है, मानव सेवा का एक व्रत लिया हुआ है, तो ये मरीज की सेवा का जो हमारा संकल्प है उस सेवा के लिए ये हम आज अस्पताल के जो अधीक्षक हैं उनको कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय से मंदिर की ओर से ये भेंट कराएंगे जो ये काउंटरों पर रखेंगे और जो भी मरीज आते हैं जो उनके अटेंडेंट आते हैं उनको ये थैलियों में दवाई डाल के दी जाएगी। क्योंकि कोई दवाई रुमाल में बांधता है, कोई कहीं बांधता है, पर दवाई ले जाने में इतनी असुविधा होती है। इस विषय पर मंदिर कमेटी ने बहुत अध्ययन के बाद ये निर्णय किया कि हमको ये थैलियाँ प्रोवाइड करनी चाहिए। हम जन सेवा जीव सेवा के कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप हमारा ये कार्य है। मंदिर कमेटी के द्वारा निर्णय किया गया है तो सारे अस्पताल में हम ये थैलियाँ प्रोवाइड कराएं। ये थैली एक लाना भैया कागज कपड़ा के साथ मिक्स है। आज जय अम्बे नवयुवक सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में जो JLN अस्पताल है उसमें जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं उन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के लिए जो दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं मरीज़ों को उनके लिए थैलियां आज प्रदान की गई है और इससे बहुत बड़ी मेरे ख्याल से सेवा होगा, उनको सहायता मिलेगी। जो भी रोगी, जो भी पेशेंट्स वहां से दवाइयां ले जाते हैं उन दवाइयों को रखने के लिए एक थैला उपलब्ध कराया गया है और जो अभी सरकार का भी ये उद्देश्य है, जो निर्देश है कि हम प्लास्टिक फ्री करें, तो उसमें भी ये एक अच्छा मैसेज देने का, एक अच्छा संदेश देने का जय अम्बे नवयुवक सेवा ट्रस्ट के माध्यम से और अम्बे माता मंदिर के तत्वाधान में यह प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो सुविधा होगी वो आम जनता को होगी कि वो एक थैला मिल जाएगा जिसमें वो अपने दवा लेकर के और जहाँ भी ले जाना वो ले जा सकते। नुकसान भी नहीं होगा, ये किसी तरह की नुकसान नहीं होगी और सभी को सहायता मिलेगा, सभी के लिए इसमें जो है मतलब बहुत ही अच्छी एक सेवा भावना से ये कार्य किया जा रहा है। आगे भी कोई संस्था को और? बिल्कुल, अभी तो 15,000 उन्होंने थैलियाँ उपलब्ध कराई है और उनके द्वारा यह बताया गया है कि 1,00,000 वो थैलियाँ उपलब्ध कराएंगे और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा प्रयास है उनके माध्यम।